पीपल्स पार्टी से मुआहिदे पर कोई पेशरफ नहीं हुई, मजीद ताखीर की गई तो राबता कमेटी फैसला करेगी। अगर मुआहिदे पर अमल नहीं होता तो बेहतर फैसला करने पर मजबूर होंगे। एमक्यूएम ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। वसीम अख्तर ने कहा, जब तक बल्दियाती एक्ट सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत नहीं बनता, कोई सूबाई ओहदा नहीं लेंगे। छोड़ी ओपोजिशन का साथ दिया, आपने गवर्नमेंट बना दी, प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, सीएम बन गए, सब मिनिस्टर्स बन गए, सब मजे से बैठे हैं, मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मगर जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हमारी कल पीएम साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो मैटर पर्टेन करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो देखेगी कमेटी। पीएम साहब ने वादा किया है, हमने उनसे कहा है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामला जिस तेजी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें, इसकी जरूरत है हमें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। डाकू आके इंतजामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं, बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्जी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। सबसे पहले तो इन तीनों स्टेशन पे इलेक्शन रोक दिए जाए, नवाबशाह और मीरपुर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।